हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विक्की गुप्ता कोलकाता ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आपने मेरा 12 ब्लॉग देखा, ये होगा मेरा आईफोन। आई होप कि आप सभी को काफी पसंद आए। तो आज संडे है तो कुछ स्पेशल ही करेंगे और कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ हम लोग घूमने जाते हैं। बच्चे लोग भी साथ जाएंगे, भैया भी साथ जाएंगे, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी भैया को कॉल किया था, भैया ने बताया कि हम बच्चे लोग को लेकर जीटी रोड की तरफ निकल चुके हैं और तुम भी फटाफट आओ। तो मैं भी जा रहा हूँ जीटी रोड की तरफ। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए जीटी रोड, हम सब टोटो में बैठ चुके हैं। भैया टोटो बुक कर लिया, बैठ गया और हम लोग भी बैठेंगे। तो चलिए देखिए, यही सब बच्चे लोग हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो चलिए, 4 बजे का टाइमिंग है वहाँ पे खुलने का। तो चलिए फटाफट चलते हैं। पहुंच चुके हैं अपने घूमने वाले जगह पे। तो हम लोग, जैसा कि आपको ब्लॉग देख के पता चल जाएगा हम लोग कहाँ पे आए घूमने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और सभी को अब दिखाते हैं, देखिए हम लोग कहाँ आए घूमने के लिए। बच्चे लोग काफी मस्ती किए टोटो में और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। छोटी नित्या भी आ चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भैया लिए हैं नित्या को, पर ये हम लोग लेना नहीं चाहते इसे, क्योंकि ये छोटी है तो परेशान करती हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग इसको लेना नहीं चाहते थे। तभी भी इसको ले लिए हैं, ये भी थोड़ा मस्ती करेगी। हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये टंकी है पानी की, इसको ऊपर उठाया जा रहा है। किस तरीके से इसको ऊपर उठाया जा रहा है देखिए, काफ़ी मेहनत लग रहा है और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इसको ऊपर पहुँचाने के लिए। अभी इतना ऊपर इसको पहुँचाना है, तो देखिए किस तरीके से ये लोग ऊपर पहुँचाते हैं इसको। जैसा कि देख रहे हैं आपकी टंकी को काफ़ी मेहनत के बाद से ऊपर पहुंचा दिया गया है। तो काफ़ी मेहनत लगा लोगों को पहुंचाने में ऊपर। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। है रामकृष्ण संग्रह मंदिर है ये, इसमें स्वामी विवेकानंद जी का पुराना जो सामान है वही सब रखा गया है। ये म्यूजियम बनाया गया है, काफ़ी अच्छा म्यूजियम बनाया गया इसके अंदर। तो हम लोग इसके अंदर भी चलेंगे। तो अंदर चलते हैं म्यूजियम के अंदर, देखिए म्यूजियम। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं, टिकट ले लिए हैं हम लोग, 5 रुपये का टिकट है म्यूजियम में जाने का। तो चलिए म्यूजियम में चलते हैं। फ़ोन अलाउ नहीं है, तभी भी हम लोग फ़ोन ले लिए हैं। जितना हो सके अगर रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो फिर फ़ोन को बंद करना पड़ेगा बीच में। फ्रेंड्स, हम लोग म्यूजियम के अंदर से घूम के आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा लगा। म्यूजियम के अंदर काफ़ी रिस्ट्रिकेशन थी तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया अंदर में। तो चलिए आगे चलते हैं, बारिश भी होने वाली है, मौसम काफ़ी क्लाउडी हो चुका है, बारिश होने वाला ऐसा लग रहा है। मंदिर की तरफ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू रखा हुआ इस मंदिर के अंदर, तो काफी अच्छा लगा है मंदिर। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। जैसा कि देख रहे हैं काफी भीड़ है, आज संडे है तो काफी भीड़ है यहाँ पे। वेदर भी काफी क्लाउडी हो चुका है जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। और देखिए ये मेन मंदिर है जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू रखा हुआ है, काफ़ी शांति माहौल है अंदर का। तो हम लोग अंदर भी जाएंगे पर अंदर में ब्लॉग नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर में रिस्ट्रिकेशन लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, बेलूर मठ मंदिर है। जैसा कि देख रहे हैं गंगा के किनारे आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा हवा चल रहा है गंगा किनारे, लोग बैठे हुए फोटो शूटिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है और क्लाउडी वेदर है, हवा भी अच्छा चल रहा है। तो आइए देखिए। अच्छा लग रहा है, संडे का दिन है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भीड़ भी है। और भैया साथ बच्चे लोग को लेकर अंदर गए हैं, आइए तब हम लोग यहीं भी थोड़ा देर बैठ जाते हैं हवा। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो अभी आगे बहुत कुछ है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग भी थोड़ा साइड हो जाते हैं नहीं तो भीग जाएंगे बारिश में। तो चलिए कहीं सेफ जगह पर चले जाते हैं।
अभी बारिश बंद हो चुका है तो आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे का व्यू कैसा है। तो देखिए आगे हम जैसा देख रहे हैं वहाँ पे एक स्टीमर है, और चलिए वहाँ पे चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं स्टीमर के पास। काफी घूम लिए, काफी थक गए हैं, तो अभी हम लोग बैठ गए हैं। बच्चे लोग काफी मस्ती किए, काफी अच्छा लगा बच्चे लोग को, मौसम भी काफी अच्छा हुआ इसकी वजह से और ज्यादा मजा आया। तो ब्लॉग को पूरा देखिए, काफी मजा आने वाला है इस ब्लॉग में आप सभी को। राम किशन मिशन बेलूर मठ के बारे में मैंने आपको सभी को दिखाया, और हम लोग बेलूर मठ घूमने आए थे, काफी अच्छा लगा। संडे है तो काफी भीड़ भी है, काफी अच्छा लग रहा है आके यहाँ पे। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वाला ब्लॉग काफी पसंद आए। देखिए नित्या क्या कर रही है, नित्या क्या कर रही हो, क्या है घास दे रही है मुझे, घास को ये लोग गन्ना बोल रही है। देखिए बोला सेल्फी स्टिक के साथ खेल रहा है, और कैसा लगा तुम लोग सबको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग जाएंगे नदी किनारे। कैसा लग रहा है? अब हम जाएंगे नदी किनारे। तो अभी इन लोगों को काफी अच्छा आया, लोग काफी मस्ती के लिए चले गए हैं गंगा जी के पास। नित्या भी है, परी है, लाडो है, भोला है। तो अभी लोग पानी को छू के हाथ पर धो के तब फिर आएंगे गंगा जी का। तो चलिए आगे ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी से। फ्रेंड्स शाम के 6 बज चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं बाहर, बच्चे लोगों को भूख लगी है। तो चलिए बाहर चलते हैं, बच्चे लोगों को कुछ खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो काफ़ी टाइम दिया यहाँ पे हमने, काफ़ी अच्छा लगा, और आप सभी को मेरा ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिएगा ब्लॉग को। तो चलिए फ्रेंड्स बाहर मिलते हैं आप सभी से। हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब एग्जिट हो चुके हैं हम लोग, अभी चलते हैं। बच्चे लोगों को कुछ भूख लगा, मुझे भी भूख लगा है, तो चलते हैं। पानी कर चुके हैं बच्चे लोग, भी नाश्ता पानी कर चुके हैं, अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। तो आई होप कि मेरा ये वाला ब्लॉग आप सभी को काफी अच्छा लगे। तो जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से मिलते हैं, अभी के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।